प्यारे विद्यार्थियों, आरसीआई एजुहब पानसू द्वारा संचालित ऑनलाइन क्लास में आपका हार्दिक स्वागत है। प्यारे विद्यार्थियों, कक्षा 11 कॉमर्स सब्जेक्ट अकाउंटेंसी, विद्यार्थियों पिछले वीडियो में आपको बताया गया था लेखा शास्त्र का जो इतिहास, आपको बताया गया था कि लेखा शास्त्र का जन्म 15वीं शताब्दी के अंत में हुआ और लेखा शास्त्र के जो जनक हैं उनके बारे में आपको बताया। अब उसके बाद हम बात करते हैं कि जब भी हमारे पास श्री लेखा शास्त्र की बात करते हैं तो लेखा शास्त्र जो शब्द है, लेखा शास्त्र इसको अपन अंग्रेजी में कहते हैं अकाउंटेंसी। लेखा शास्त्र शब्द दो शब्दों से मिलकर बना है। ऐसे इसको एक तो कहते हैं लेखांकन, क्योंकि लेखा शास्त्र तब पूरा हो पाएगा जब लेखांकन व पुस्तपालन दो शब्द आपके पास होंगे। लेखांकन और पुस्तपालन दो शब्द जब आपके पास होंगे तब जाकर के लेखा शास्त्र पूरा पाएगा। लेखांकन इसको अंग्रेजी में कहते हैं अकाउंटिंग। अकाउंटिंग और पुस्तपालन को कहते हैं बुक कीपिंग। देखिएगा, लेखा शास्त्र एक ऐसा शास्त्र है जिसमें समस्त प्रकार के लेखांकन के नियम सिद्धांत अवधारणाएं पाई जाती हैं। जब तक हम लेखांकन का ज्ञान कहाँ से प्राप्त होता है, लेखा शास्त्र का, पुस्तपालन का ज्ञान भी कहाँ से प्राप्त होता है, लेखांकन से। तो ये दोनों शब्द जो हैं वो कहाँ से प्राप्त हुए, लेखा शास्त्र से। अगर ये नहीं है तो इनके बिना ये लेखा शास्त्र अधूरा है, और अगर लेखा शास्त्र नहीं है तो हमारे पास लेखांकन और पुस्तपालन के बारे में ज्ञान प्राप्त नहीं हो सकता। इसलिए ये आपस में एक दूसरे से रखते हैं, संबंध रखते हैं। तो कहने का यह है कि लेखांकन के लिए पुस्तपालन अनिवार्य है और लेखांकन के लिए लेखा शास्त्र अनिवार्य है। अर्थात कहने का यह है कि हम लेखांकन कब कर सकते हैं, जब पुस्तपालन हो, जब पुस्तपालन हो। और कब का, और लेखांकन के बारे में लेखांकन क्रियाएं कैसे कर सकते हैं, जब लेखा शास्त्र से हमें संपूर्ण जानकारी प्राप्त हो। तो इसलिए लेखा शास्त्र के बिना लेखांकन व पुस्तपालन करना असंभव है। इसलिए इन तीनों का आपस में संबंध गहरा है। पुस्तपालन लेखांकन के बिना पुस्तपालन लेखांकन के बिना अधूरा है और लेखांकन लेखा शास्त्र के बिना अधूरा है। इसलिए ये तीनों आपस में संबंध रखते हैं। अब हम इन तीनों के बारे में अलग अलग प्रकार से अध्ययन करेंगे। हम सबसे पहले अध्ययन करेंगे पुस्तपालन की, ताकि हम नीचे की सीढ़ी से हम जानकारी प्राप्त करते हैं। सबसे पहले आवश्यकता पड़ती है हमें पुस्तपालन की, पुस्तक प्लस पालन, इसको अंग्रेजी में कहते हैं बुक कीपिंग। ये दो शब्दों से मिलकर बना है। बुक कीपिंग का अर्थ होता है पुस्तकें रखना। तो अब हम इन सबसे पहले हम पुस्तपालन के बारे में जानकारी प्राप्त करते हुए आगे अध्ययन करते हैं। आगे देखिए किस प्रकार से पुस्तपालन को समझाया गया है। पुस्तपालन का अर्थ एवं परिभाषा, पुस्तपालन का अर्थ एवं परिभाषा। देखिए सबसे पहले हम पुस्तपालन के अर्थ और परिभाषा में पढ़ते हैं पुस्तपालन का उद्भव। पुस्तपालन का उद्भव, उद्भव का अर्थ होता है जन्म लेना, उत्पन्न होना। कि लेख पुस्तपालन का अर्थ जो है, यह पुस्तपालन शब्द जो है वो कहां से उत्पन्न हुआ, तो हम कह सकते हैं पुस्तपालन लेखांकन का ही अंग है। पुस्तपालन लेखांकन का ही अंग है।
पुष्पालन लेखांकन का ही अंग है। लेखांकन अपने विकास के लेखांकन अपने अपने विकास के प्रथम चरण में प्रथम चरण में पुष्प पालन के रूप में प्रारंभ हुआ था। पुष्प पालन अर्थात बुक कीपिंग के रूप में प्रारंभ हुआ था। पुष्पालन दो शब्दों से पुष्ता प्लस पालन दो शब्दों से मिलकर बना है। पुष्पालन दो शब्दों से मिलकर बना है पुस्तक प्लस पालन। इसका पुष्पालन का शाब्दिक अर्थ पुस्तकें रखना है पुष्पालन का जो शाब्दिक अर्थ है वो है पुस्तकें रखना। अब हम कह सकते हैं कि यहाँ पुस्तकों से अर्थ अर्थात पुस्तकों का तात्पर्य व्यवसाय की हिसाब किताब की पुस्तकें रखने से है। व्यवसाय की हिसाब किताब की पुस्तकें रखने से है। जबकि रखने का तात्पर्य देखो पुस्तक प्लस पालन अर्थात कि पुस्तकें रखना। पुस्तपालन का अर्थ क्या होता है? पुस्तकें रखना। तो पुस्तकों का अर्थ तो क्या है? पुस्तकों का तात्पर्य व्यवसाय के हिसाब किताब की पुस्तकें। अगर इसको आप नहीं देखना चाहो तो हटा दो और रखने का मतलब क्या होता है? रख रखाव। यह रखने का तात्पर्य निश्चित सिद्धांतों के आधार पर निश्चित सिद्धांतों के आधार पर हिसाब किताब की इन पुस्तकों हिसाब किताब की इन पुस्तकों में लेखा करने से अर्थात लिखने से दोबारा समझने का प्रयास करें। पुष्पालन का जो जन्म है वो पुस्तक और प्लस पालन दो शब्दों से मिलकर बना है क्योंकि पुष्पालन लेखांकन का ही अंग है। मैंने अभी थोड़ी देर पहले आपको इसी वीडियो में बताया था कि पुष्पालन के बिना लेखांकन नहीं किया जा सकता, इसलिए पुष्पालन लेखांकन का ही अंग है। और लेखांकन अपने विकास के प्रथम चरण में अर्थात क्योंकि लेखांकन करने से पहले सबसे पहले हमें पुष्पालन की आवश्यकता पड़ती है, इसलिए लेखांकन अपने विकास के प्रथम चरण में पुष्पालन के रूप से ही प्रारंभ हुआ था। पुष्पालन से ही इसकी शुरुआत हुई थी। किसकी? लेखांकन की। इसलिए पुष्पालन शब्द दो शब्दों से मिलकर बना है पुस्तक प्लस पालन। और पुस्तक प्लस पालन का जो शाब्दिक अर्थ है एक सामूहिक अर्थ है उसको कहते हैं पुस्तकें रखना। यहाँ हम पुस्तकें किसको कहेंगे?
जो हिसाब किताब की पुस्तकें जो व्यापार में होती हैं, वे हमारे लिए पुस्तकें होती हैं। और रखने से मतलब क्या है, निश्चित सिद्धांतों के आधार पर लेन देनों को लेखा पुस्तकों में लिखना, लिखना जो होता है उसको रखने के लिए प्रयोग में लिया जाता है। जबकि रखने का तात्पर्य क्या है, निश्चित सिद्धांतों के आधार पर हिसाब किताब की इन पुस्तकों में लेखा करना ही रखना कहलाता है। इसलिए पुस्तक प्लस पालन दोनों ही पुस्तक पालन का शब्द करते हैं। अब हम पढ़ेंगे जो पुस्तक पुस्तपालन की जो परिभाषाएं हैं, वे अलग अलग विद्वानों ने अलग अलग तरीके से पुस्तपालन को परिभाषित किया है। तो अब हम यहाँ पर लिखेंगे परिभाषाएं। पुस्तपालन की परिभाषाएं, पुस्तपालन की परिभाषाओं में नंबर एक आर एल कार्टर के अनुसार, आर एल कार्टर के अनुसार पुस्तपालन, आर एल कार्टर ने क्या परिभाषा दी है पुस्तपालन के लिए, ये पुस्तपालन उन सब पुस्तपालन उन सब व्यावसायिक व्यवहारों को व्यावसायिक व्यवहारों को जिनमें मुद्रा जिनमें मुद्रा या मुद्रा के समान या मुद्रा के समान मूल्य का हस्तांतरण की जा सकती है, मूल्य का हस्तांतरण इसकी स्थापना कर सकते हैं, इसकी स्थापना के लिए अधिक वैधानिक जो प्रावधान है उन्हें पूरा नहीं करना पड़ता है, करता हूं के अनुसार पुस्तपालन की परिभाषा है कि पुस्तपालन उन सब व्यावसायिक व्यवहारों को जिसमें मुद्रा या मुद्रा के समान तुल्य का हस्तांतरण करता हो, या करना है कि पुस्तपालन किसे कहते हैं कि व्यवसाय में जो भी व्यवहार होते हैं, जो भी लेन देन होते हैं, उनको मुद्रा के रूप में पुस्तकों में दर्शाया जाता है, या फिर मुद्रा के समान या उसके समतुल्य उसके मूल्य के समान राशि का हस्तांतरण जब किया जाता है तो उसे पुस्तपालन कहा जाता है। ये आर एन कार्टर ने परिभाषा दी है। अगला एक और विद्वान जिसने इसको परिभाषित किया है पुस्तपालन को, उसका नाम है जे आर बाटली बाय ने पुस्तपालन के बारे में परिभाषा दी है कि पुस्तपालन को व्यावसायिक व्यवहारों को उचित खातों के अंतर्गत अभिलेख करने के विज्ञान एवं कला के रूप में परिभाषित किया जा सकता है। कि एक पुस्तपालन में लेखांकन से संबंधित व्यवहार, अर्थात व्यवसाय के जो भी मुद्रिक व्यवहार होते हैं, मुद्रा से संबंधित